अपडेट और खबरों के लिए टीवी वन इंडिया को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलें। महाराष्ट्र में इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर पर पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और आघाड़ी सरकार के बीच भिड़ंत। फडणवीस ने बोला, हमला विफलता छुपाने पीएम मोदी को बदनाम ना करें। मुंबई में कोरोना योद्धाओं पर कोविड का असर, 10 दिनों में 361 पुलिस जवानों को संक्रमण ने घेरा, 50 से 60 साल के पुलिस कर्मियों को छुट्टी पर जाने का निर्देश। लॉकडाउन में पेट्रोल डीजल से भी सस्ता हुआ हवाई ईंधन, 1 महीने में 23% की कटौती, उड़ान सेवाएं बंद होने से ग्राहकों को नहीं मिल रहा फायदा। दिल्ली सरकार की अनूठी पहल, इंग्लिश स्पीकिंग और पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए शुरू करेगी ऑनलाइन क्लासेस। डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने पेरेंटिंग इन द टाइम ऑफ कोरोना के 5वें सत्र की बैठक में दी जानकारी। नवी मुंबई की एपीएमसी मंडी में घटी हरी सब्जियों की आवक, 250 की बजाय भाजीपाला मंडी में पहुंची सिर्फ 40 गाड़ियां, 18 पर पहुंची कोरोना मरीजों की संख्या, प्रशासन को चौकन्ना रहने की जरूरत। लॉकडाउन में नासिक से चली पूर्वोत्तर के लिए रेलगाड़ी, पुलिस ने सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराते हुए सैकड़ों मजदूरों को दी विदाई, घर जाते समय उमड़े नागरिकों के आंसू। कोविड सेंटर में फंसे नागरिकों की बढ़ रही बेसब्री और बौखलाहट, मुलुक भेजने की जिद में छोड़ रहे खाना पानी, प्रशासनिक अधिकारियों से मदद नहीं मिलने पर जता रहे नाराजगी। 4 मई के बाद लॉकडाउन तक नहीं आएंगे मुंबई में कार्यरत पनवेल क्षेत्र के डॉक्टर और पुलिसकर्मी, अति आवश्यक सेवादाताओं को बीएमसी देगी मुंबई में टेम्परेरी आवास, विधायक प्रशांत ठाकुर की मांग पर निर्णय। महाराष्ट्र के हेल्थ मिनिस्टर राजेश टोपे का खुलासा, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हुआ तो दारू शराब की दुकानों को खोलने में हर्ज नहीं, मनसे प्रमुख राज ठाकरे समेत कई नेता कर चुके हैं मांग। थाने जिले में 10 दिनों में बढ़े कोरोना के 511 मामले, थाने शहर में 183, नवी मुंबई में 115, कल्याण डोंबिवली में 72 और मीरा भाईंदर में 47 केस पॉजिटिव, 112 मरीजों के स्वस्थ होकर घर लौटने से राहत। नवी मुंबई में कोरोना मरीजों की संख्या हुई 289, 24 घंटे में 39 नए पॉजिटिव केस सामने आए, अब तक 3,745 लोगों की कोरोना जांच, कोपर खेरने के डॉक्टर और अनाज बाजार के अकाउंटेंट के भाई तक पहुंचा कोरोना। पनवेल मनपा क्षेत्र में 56 हुए कोरोना के मरीज, 24 घंटे में 9 नए लोगों में संक्रमण का खुलासा, आयुक्त गणेश देशमुख ने की लोक प्रतिनिधियों और व्यापारियों के साथ बैठक, बाजार में भीड़ कम करने और सोशल डिस्टेंसिंग पर हुई चर्चा।